तीन दिन पहले उर्गा थाना क्षेत्र के नवलपुर रेलवे क्रॉसिंग गेट में गेट कीपर की हत्या की घटना के बाद रेल कर्मचारियों ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा देने को लेकर रेल कर्मचारी संघ ने एआरएम को ज्ञापन सौंप कर मांग की है। केबिन या दूर सुनसान जगह पर ड्यूटी कर रहे रेल कर्मचारी के सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा देने और सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि नवलपुर की घटना से रेल कर्मी दहशत में हैं। ऐसे घटना को रोकने रेल प्रबंधन को पहल करने की जरूरत है ताकि ऐसी घटना होने से रोका जा सके। कल जो घटना हुई, रेल कर्मी हमारा एक रेल परिवार के नाते भाई ही है और जैसा हमको उसका पहला सूचना मिला है फोटो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, उसमें देखकर कोई भी ये बोल सकता है कि उसके साथ आके हावी हो के किन्हीं ने उनको बहुत बुरी तरह से हमला किया है। किसी तरह से उनको ऐसा भी नहीं हुआ, बीच बचाव का मौका मिला है और वो सब देखते हुए हम लोग आपस में कर्मचारी ने एक दूसरे को तुरंत एआरएम साहब के ऑफिस में बुला के उसके लिए एक ज्ञापन सौंपा कि रेल कर्मी उनके परिवार के लिए और मृतात्मा के न्याय के लिए एक ज्ञापन दिए। प्लस हमारे जो कर्मचारी भाई हैं जो सेक्शन में काम करते हैं, जो इस तरह से लेवल क्रॉसिंग है जहां बीच में अगल बगल में कोई और सुरक्षा नहीं है, उन सब जगह पे सीसीटीवी कैमरे का सुविधा प्रोवाइड करें जिससे आगे इस तरह की घटना हो उसका एक सुरक्षा के रूप में हमें कुछ रिकॉर्ड मिल सके और कोई घटना इस तरह से अंजाम ना हो पाए, इसके लिए भी हमने प्रशासन को एक मेमोरेंडम के माध्यम से रिक्वेस्ट किया है कि ऐसा सुरक्षा व्यवस्था दी जाए कि ऐसा घटना ना हो पाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।